हेलो 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 वेलकम 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी लेट्स बिगिन द क्लास चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहाँ पे यहाँ पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं काफ़ी मैंने जैसे आपको कहा था कि गियर्स पे हम लोग फोकस करेंगे ंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ गियर चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं बच्चो सेशन को फटाफट वेरी गुड वेरी गुड रेगुलरली प्रॉपर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चलिए बच्चो जो भी बच्चे अभी नहीं आए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज जो आए हैं वो शेयर कर दे कम से कम मैक्सिमम बच्चे सभी जो हैं वो जुड़ पाए हर क्लास को फ्लॉप क्लास बना देना सही नहीं है अगर हम लोग कर ही रहे हैं प्रिपरेशन कंटिन्यू चलिए चलिए तो वेलकम 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 एवरी तो चलिए बच्चे आते रहेंगे हम लोग स्टार्ट करते थे बच्चों सेशन को तो so, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों चलिए तो क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन टू टीथ प्रोफाइल्स ऑफ गियर्स आर कॉन्जुकेट द स्लाइडिंग वेलोसिटी बिटवीन देम देखिए

स्लाइडिंग वेलोसिटी। चलिए चलिए वेलकम 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 फटाफट आंसर करिए बच्चों। व्हाट विल बी दी स्लाइडिंग वेलोसिटी। ई एस सी का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा पेपर था वो उसी का ये क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है तो चांसेस हैं कभी ना कभी दोबारा इस क्वेश्चन के आने के इस तरह के क्वेश्चन के काफ़ी हद तक चांसेस हैं बताएं है बच्चों या इसका करेक्ट आंसर होगा डी डी अब यहां पे पहले क्या आंसर नहीं हो सकता पहले क्या बोला वेन टू टीथ प्रोफाइल्स ऑफ गेयर आर कॉन्जुगेट ठीक है अगर गेयर प्रोफाइल के टीथ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मतलब क्या है कि आपके टीथ प्रोफाइल जो है वो इन्वॉल्यूट या साइकोलॉडल है उसको हम कॉन्जुगेट बोलेंगे ना इनवॉल्यूट या

तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हमेशा क्या होती है बच्चों दैट इज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इनटू आर एंड वी ऑल नो दैट कि एट द पिच पॉइंट ये इसको हम क्यूपी बोलते हैं मलकी क्यूपी है ना आपको याद होगा कि जब दो टीथ प्रोफाइल के बीच में हम लोग इस पॉइंट को क्यू बोलते हैं ठीक है ना क्यू क्यू तो दैट इज क्यू और पी होता हमारा पिच पॉइंट और ये होता है हमारा के और ये होता है हमारा एल तो के और पी एल में क्यूपी एक पॉइंट आता है उसको हम वोस्ट ऑफ स्लाइडिंग निकालते हैं तो एट दी पिच पॉइंट बच्चों सबको पता है एट दी पिच पॉइंट हमेशा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो क्या होती है जीरो होती है हमेशा एट दी पिच पॉइंट जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हमेशा क्या होती है जीरो होती है लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम पे पार्टली स्लाइड करता है गियर ठीक है ना ता? बाकी टाइम पे गियर जो है वो स्लाइड करता है तो अगर हम बोले इज नेवर जीरो ऑन द पाथ ऑफ नीरोक्ट ठीक है ना इज नेवर जीरो तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि पॉइंट पे तो जीरो होता ही होता ही है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है दूसरा है कैन बी मेड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोफाइल्स कि ये भी गलत है ठीक है ना ऑलरेडी हमने प्रोफाइल सेलेक्ट करे हुए हैं इज जीरो एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज जीरो ऑल थ्रू द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों यहाँ पे इज जीरो एट सर्टेन पाथ ऑफ अब ये भी थोड़ा सा आंसर सही नहीं है बी ठीक है ना और ए भी पूरी तरह से सही नहीं है अगर एक्चुअल में स्टेटमेंट देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास गियर में पार्टली स्लाइडिंग और पार्टली क्या होता है आपका रोलिंग होता है तो पी पिच पी, पॉइंट पे सिर्फ जो है वो रोलिंग होता है बाकी टाइम स्लाइडिंग होता है तो इज ऑलवेज जीरो बोल रहा है इसको तो आंसर टिक कर नहीं सकते तो फिर क्या करोगे मतलब एक कंडीशन में ये होता लेकिन अगर सिर्फ रोलिंग की बात कर रहा होता तो फिर बचता क्या है बी तो ऑप्शन हमारे पास यही बचता है बच्चों ठीक है ना ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है बी क्लियर है तो यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर कभी आया तो तो ध्यान रखिएगा इसके आंसर को करने के लिए नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन या आंसर जो है वो गलत कर सकते हैं जल्दबाजी में आप लोग ठीक है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टूथ प्रोफाइल का कहीं भी बोला जाता है कॉन्जुकेट एक्शन तो कॉन्जुगेट एक्शन ही मतलब होता है ठीक है ना तो याद रखिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बचता है कि ये जीरो हो सकता है एट सर्टेन पॉइंट और सर्टेन पॉइंट वो क्या होगा वो होगा ओनली पिच पॉइंट ओनली पिच पॉइंट ठीक है तो बल्कि ये पॉइंट्स भी नहीं होना चाहिए सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए पिच पॉइंट तो इसलिए मुझे इतना सही नहीं लगा था बट ऑप्शन ही नहीं है तो यही सही है फिर आंसर ठीक है ना क्लियर है में आ गया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों द एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्व प्रोफाइल ओवर साइकोलोडल आर गिवन बिलो विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट इसमें कह रहा है इन्वॉल्यूट uh, प्रोफाइल का एडवांटेज क्या है बच्चों साइकिल आइडल के ऊपर और आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है तो हमने कल भी इस तरह का क्वेश्चन किया था अब ऑप्शन दूसरे हैं कहता है इंटरफेरेंस इज जनरली एबसेंट इन दी एनवॉल्यूट सिस्टम तो पहला ही स्टेटमेंट जो है बच्चों इनकरेक्ट हो जाता है ना भाई इनवॉल्यूट में जो है वो इंटरफेरेंस हो भी सकता है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पहले ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट तो ज्यादा नहीं सोचना है, आगे चलो टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू हुज एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग बच्चों एक्सिस जो है ना ना ही ही पैरेलल है है और इंटरसेक्टिंग तो ऐसे में आपको याद है पावर ट्रांसमिट uh, के लिए हम कौन सा गियर यूज करते हैं तो नॉट पैरेलल नॉन इंसेंग इस पर गियर पैरेलल होते हैं बच्चों ये हमारे पैरेलल गियर होते हैं ठीक है ये हमारे इंटरसेक्टिंग होते हैं स्पायरल स्पायरल जो है हमारे इंटरसेक्टिंग होते हैं बेवल गियर हमारे क्या होते हैं बेवल गियर भी इंटरसेक्टिंग होते हैं ठीक है ना वॉम गियर क्या होते हैं वॉम नॉन पैरल और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं ठीक है ना दिस इज दी करेक्ट आंसर दिस इज दी करेक्ट आंसर तो ज्यादा दिक्कत नहीं है सोचने के लिए अगला है गियर्स आर कंसीडर्ड टू बी मीडियम वेलोसिटी टाइप इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी लाइज इन द रेंज ऑफ तो बताएं बच्चों मीडियम वेलोसिटी के लिए किस रेंज में लाए करेगा तो वैसे बात है तीन से नीचे होता है तो हमारा लो वेलोसिटी कहलाता है तीन से पंद्रह होता है तो हमारा मीडियम कहलाता है और से ऊपर होता है तो हमारा हाई वेलोसिटी कहलाता है बिल्कुल बिल्कुल गुड गुड पीयूष ठीक है ना समझ में आई बात ठीक है ना फटाफट फटाफट आंसर फटा फटा करते हैं बच्चों ये सब गियर्स में और यही सब पूछे गए हैं क्वेश्चन कोई नई चीज़ नहीं है गियर्स में साल ब साल जिस पेपर में भी आया है सब इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको आप अगर आज के सेशन के सारे गेयर्स क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका गियर चैप्टर तैयार ही है ऑलरेडी क्लियर है बस बच्चे गायब हो जाते हैं ये बड़ा दुख की बात रहती है हमेशा ही कोई इलाज नहीं है पता नहीं क्या है इलाज इसका जिंदगी में ज़िंदगी में और ये इलाज कुछ नहीं है ये सच्चाई है कंसिस्टेंसी यही तो सबसे बड़ा शब्द है जो जीवन में हमारे हैं नहीं चाहे वो तुम हो या मैं हूँ अगर तुम मैं कोई भी कंसिस्टेंट रह लें और आप देखिएगा कोई प्लेटफॉर्म में कोई ऐसा जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ठीक है चाहे वो अच्छा कर रहा हो अच्छी चीज़ दे रहा हो कंटेंट या बुरी चीज़ दे रहा हो वो मैटर नहीं है लेकिन कोई अगर अच्छा हमसे परफॉर्म कर रहा है बेटर तो आप देखिएगा उनमें और हमें सबसे बड़ा अंतर क्या होगा वो कंसिस्टेंट होगा मानो कोई गलत काम भी करता है ना कोई गलत चीज़ भी करता है लेकिन अगर वो उसमें भी कंसिस्टेंट है तो उसको सक्सेस मिलती है सेम आप लोगों के साथ भी है कितने बच्चे पढ़ लें कुछ कर लें लेकिन कंसिस्टेंट रहने वाले सिर्फ पंद्रह बीस ही हैं और ये गारंटी मानिए अगर आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट हैं किसी चीज़ को लेकर रेगुलर रहते हैं तो डेफिनेटली आपका सबसे पहले आप ही का होना है जो भी होना है टेंशन मत लीजिए क्लियर है बट आज की डेट में ऐसे पंद्रह कंसिस्टेंट रहने वाले भी तो हर प्लेटफॉर्म में है हर जगह इसलिए कॉम्पिटिशन हाई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों लॉ ऑफ गेयरिंग ऑफ गियरिंग को कब बोलेंगे हम तो साफ है बच्चों कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासेज थ्रू पिच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ यही लॉ ऑफ गियरिंग का स्टेटमेंट भी कहलाता है बच्चों है ना यही हमारे लॉ ऑफ गियरिंग का स्टेटमेंट भी कहलाता है क्लियर है ठीक है बच्चों और याद रखिए आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमने ऑलरेडी बैचेस तो कई चला ही रखे हैं ताकि जो जो जिस बैचेस पे फोकस कर रहा है ठीक है ना उसके हिसाब से जो है वो तैयारी कर ही सकता है लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल पे भी कंटिन्यू काम किया है जैसे कि हमने जेई की एम बुक निकाली थी काफ़ी बच्चों ने उसका यूटिलाइजेशन किया आज हज़ार से ऊपर बच्चे हम लोग की बुक पढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है ठीक है फॉलो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन खुद का ऐसा ईजाद करे हुए तो क्वेश्चन है ही हैं प्रैक्टिस वाले कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनका कोई यूज नहीं है कॉम्पिटिशन में ठीक है लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इसी तरह से एक और आपकी तैयारी को फास्ट अप करने के लिए बच्चों एक फार्मूला बुक भी तैयार कर लिया जिसका काफ़ी समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे कैसी वो बुक होगी क्या उसमें स्पेशल होगा वो आज रात मैं आपको बताऊंगा जिसका स्केड्यूल आप मेरे उसमें लॉन्चिंग देख भी रहे होंगे तो एक फॉमूला ई बुक हमने तैयार की जिसको आपको डिलीवरी भी कराने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आप अपनी ऐप से उसे परचेज कर सकते हैं और ऐप में ही रख के उसे हमेशा अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है ना उसमें वो सब चीज़ हमने डाली है फॉर्मूला बुक में जो तो कि एक तैयारी करने वाले को तुरंत तुरंत रिक्वायर्ड होती है क्लियर है तो उसके लिए नौ बजे आज शाम को मिलिएगा ऑनलाइन यूट्यूब पे ही हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हम लगातार बच्चों कंटेंट पे काम कर रहे हैं अगर हम यूट्यूब पे कई बार लेक्चर पे नहीं दिखते हैं कुछ समय कुछ लंबे लंबे समय तो ये समझ लीजिए कि हम कंटेंट पे ही काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे कंटेंट के बाद एक कम्प्लीट फॉर्मला बुक हम लोगों ने तैयार करी है ठीक है जिसको आप जो है देखने के लिए आज शाम को नौ बजे ऑनलाइन यूट्यूब पर आइएगा क्लियर है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं तो बच्चों तो ये स्टेटमेंट ही है लॉ ऑफ गियरिंग का बच्चों इसमें कोई शक वाली बात है, नहीं है आप स्टेटमेंट हमेशा लॉ ऑफ गियरिंग का यही याद रखिए द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन इन्वॉल्यूड गियर इज इन्वॉल्यूड गियर में पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है बच्चों इन्वॉल्यूड की बात हो रही है स्ट्रेट लाइन होगा इन्वॉल्यूड होगा कर्व लाइन होगा सर्कल होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है

लेकिन अगर आप प्रॉपर ऐसा कोर्स चाहते हैं जो सबके लिए अवेलेबल हो आर आरबी जेई के लिए भी और बाकी पीएसयू के लिए भी तो आप हमारे स्टेट जेई लाइव वाले कोर्स में ज्वाइन करिए वो आपको सभी पी एस यू कवर करके देगा ठीक है ना ए विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे बस उसी के लिए लगे हैं फॉर्मुला बुक के आते ही हमारी हैंड बुक का काम शुरू हो गया है जो कि 80 परसेंट है और कोशिश करेंगे विद इन अ मंथ हम लोग हैंडबुक के साथ भी आ जाएं ठीक है ना तो चलिए डिस्टेंस अब आप तैयार हो जाइए मैंने अपनी टीम पूरी बना ली है बच्चे अब मैंने अपनी पूरी टीम बना ली है टेक्निकल की बढ़िया वाली जो कंटेंट पे बढ़िया काम करके देगी मतलब वो टीम जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं तो अब ये समझ लीजिए आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में सबसे बेहतर मैकेनिकल के लिए मैं -साफ क्या साफ साफ कह सकता हूँ वैसे तो नॉन टेक्निकल की टीम भी अपनी जगह पूरी बना रही है मार्केट में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी श्योर कर सकता हूँ क्योंकि वो ट्राई एंड टेस्टेड है वो ये है कि टेस्ट सीरीज बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज मैकेनिकल की जो कि एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ तो बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज बेहतर से बेहतर आपको और देखिएगा आप कोई भी टेस्ट सीरीज जाके देखिए उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी डलने लग रहे हैं सबके तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बेहतर तो टेस्ट सीरीज ठीक है ना बेहतर एम प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत बेहतर कंटेंट रिवीजन कंटेंट और मैकेनिकल के लिए कॉम्पटेटिव बुक्स कॉम्पिटेटिव बुक्स टेक्स्ट बुक नहीं कॉम्पटिटिव बुक और कोई भी सजेशन बच्चों आपको देना हो हमें क्योंकि आपको शुरू से पता है कि आपके सजेशन की कितनी इम्पोर्टेंट रहती है जब भी आपने कोई सजेशन दिया है मैंने उसे अगर सही रहा है तो मैंने तुरंत इम्प्लीमेंट किया है किसी एक छोटे बच्चे के भी मतलब कम से कम ये समझ लीजिए कि आप लोगों के सजेशन की ये वैल्यू है कि जब बच्चा यहाँ पर ने हमारी कोर्स की फ़ीस के लिए कम बोला ठीक है ना इन जनरल तो हम कभी भी नहीं करते और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं करेगा बच्चों के कहने पे लेकिन मैंने एक पूरा कोर्स बिल्कुल आधे रेट पे किया सिर्फ बच्चे के कहने पे सिर्फ ट्राई करने के लिए क्योंकि बच्चे ने कहा था कि सर इतना कर दो आपको इतने कोर्स तो आराम से निकल ही जाएंगे जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक है ना बच्चे के कहने के वन टेंथ पर ही कोर्स बिके लेकिन ठीक है ना माना ना हमने आपकी बात को तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ली जाती है तो अपना कंटेंट को रिलेटेड जो भी चीजें होंगी या जो भी सजेशन होगा जो आपको लगता है कि हाँ सर ये निकाल दीजिए हमारे लिए ये कर लीजिए वो जरूर बताएगा ठीक है ना इसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग रात को नौ बजे बात करेंगे चलिए 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 हाँ आयुष जी सॉरी सॉरी फॉर दैट थोड़ा बहुत प्रमोशन कभी कभी हम बीच में कर देते हैं बहुत कम करते हैं पर कर देते हैं सॉरी फॉर दैट

तो उसको हम क्या बोलेंगे बहुत अच्छा बताइए बच्चों पिच बोलेंगे एक्सिल पिच बोलेंगे लीड लीड लेड बोलेंगे या बेस पिच बोलेंगे बताइए पैरेलल बोल रहा है एक्सिस ये मेन बात रखेगा याद अब देखिए इसको बोलेंगे हम लोग अब यहां पे पिच तो नहीं बोल सकते क्योंकि पिच पैरेलल में है ही नहीं पिच देखो ना इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो कि द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस बोला तो अगर ये गियर है तो ऐसे में ही आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ठीक है ना ऐसे में आप डिस्टर्ब मेजर कर रहे हैं। तो पिच भी परपेंडिकुलर में हुई तो ना पिच होगी ना पिच ना बेस पिच तो मतलब पिच तो तो कहीं से भी नहीं हुई तो बचा क्या अपने पास लीड तो अपने पास बचा लीड लीड जो है वो पैल में, में मेजर हो सकती है ठीक है ना आई बच्चों बात क्लियर है ठीक है ना दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सी विल बी दी करेक्ट आंसर याद रखे कभी इसके साथ अगर अच्छे ऑप्शन आ गए ना और ये तो जैसे आसान थे क्योंकि तीन तो पीछे दी थी तो अगर कभी अच्छे ऑप्शन आ गए तो क्वेश्चन और बढ़िया हो जाएगा क्लियर है इस टाइप का कुछ तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा फिर ये ठीक है मीटर गियर्स आर यूज फॉर मीटर गियर्स आर यूज फॉर मीटर गियर बच्चों क्या होता है मीटर गियर होता है जब इक्वल साइज बेबल गियर जो है आपस में 90 डिग्री पे लगाए जाते हैं इक्वल साइज बेबल गियर तो तब हम उसे मीटर गियर कहते हैं तो गियर स्पीड रिडक्शन के लिए नहीं ट्रांसमिटिंग मोशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग शार्ट ये सही है इक्वल स्पीड सही है मैक्सिमम एक्जल थ्रेश तो अब देखिए बच्चों अब बात है कि बी और सी में कौन सही तो बी तो और गियर भी हो सकते हैं ना इंटरसेक्टिंग शार्ट ले। लेकिन इक्वल स्पीड के लिए तो यही होगा क्योंकि दोनों बराबर इक्वल साइज होते हैं तो इसलिए आंसर सी टिक करेगा बी नहीं तो जल्दबाजी में बी टिक कर देना सी विल करेक्ट आंसर क्योंकि इक्वल साइज है तो इक्वल स्पीड भी होगा ठीक है ना क्योंकि वही इक्वलिटी ही उसका मेन आंसर है तो इसलिए सी रहेगा करेक्ट आंसर सी रहेगा करेक्ट आंसर तो गलती से बी मत कर दीजिएगा आंसर ठीक है समझ आ रही बात हर क्वेश्चन की थोड़ी सी ये समझना जरूरी है कि वो किस वजह से पूछ रहा है ये चीज क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

अगर फ्रिक्शन में कोई वेस्टेज नहीं है तो के पी इज इक्वल टू पी एल है ना आर्क ऑफ एप्रोच आर्क ऑफ रिसेस के बराबर होगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत बार जो है वो पूछा जाता है तो दैट इज बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गियर्स हैव देर टीथ बच्चो स्ट्रेट ओवर द्हील रिम

दूसरा होता है अक्रमन 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 आर मतलब टर्निंग पेयर है ना इस टाइप से याद रखो मतलब तो एस याद रखो स्लाइडिंग तो दूसरा तो अपने आप टर्निंग हो जाएगा ठीक है तो साफ है कि डेविस गियर कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर तो याद रखने का तरीका भी बता रखा है एस से याद रखो डेविस एस स्लाइडिंग क्लियर है तो समझा की बात ए विल बी दी करेक्ट आंसर फटाफट आंसर करते जाओ बस नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द थ्रेड डैश इज द बॉटम सरफेस ज्वाइंग द टू साइड ऑफ दूटेंडमेंडम डैश इज द टू साइड ऑफ किसी भी थी थी तो थोड़ा थो थ्रेड का क्वेश्चन आ गया इसमें वैसे तो इसमें डालने की जरूरत नहीं थी ठीक है तो दो एक साइड का थ्रेड मान लीजिए ये है दूसरी साइड का थ्रेड ये है तो दो साइड का थ्रेड के बीच के बॉटम को हम क्या बोलते हैं बच्चों रूट बोलते हैं और क्या बोलते हैं दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड रूट रूट तो सीधा यही यही रहेगा रहेगा इसका रहे इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज टू डिफरेंशियल गियर का फंक्शन क्या होगा ऑटोमोबाइल में तो बच्चों सबको पता है तो फेसिलेट रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल नो रिड्यूस टायर वियर एट हाई स्पीड नो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टॉप बिटवीन व्हील्स कह सकते हैं टेक केयर डिफरेंस इन स्पीड ऑफ रियर सीधा है डी विल भी करेक्ट आंसर इक्वल स्पीड तो दे ही रहा है लेकिन मेन काम क्या है कि हमें डिफरेंस इन स्पीड दे सके अलग अलग स्पीड दे सके दोनों टायरों में उसके टर्निंग के हिसाब से तो डेट इज डिफरेंस इन स्पीड ऑफ रियर व्हील्स डी विल बी दी करेक्ट आंसर डी विल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्स गियर इन स्पर ग्यूट इज जनरेट इज कॉल्ड बच्चों सबको पता है, में जो होता है वो किस सर्कल पे होता है, तो वी नो कि जो है वो इस तरह जनरेट होता है जैसे हम कोई जैसे हम कोई जैसे हम कोई को किसी चीज को अन करते हैं उस हिसाब से जनरेट होता है हमारा इनवोल्यूड प्रोफाइल बेस सर्कल बेस सर्कल को अन देश सर्कल तो दिल बी दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लॉक मैके गेट रीज बच्चों क्लॉक मैके गेट रीज होती है बचपन से सबको पता है रिवर्टेड गेट रि इनमें क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं रुक रहा हूं ठीक है क्योंकि यह क्वेश्चन इतनी बार हुए हैं कि बच्चे बच्चे सको पता है फिर से भी जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं रिवर्टेड गियर ट्रेन वो होती है बच्चों जिसमें दो गियर्स एक ही एक्सिस पे चलते तो हैं लेकिन अलग अलग शाफ्ट में ठीक है ना एक एक्सिस में चलते हैं लेकिन अलग अलग शाफ्ट में क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डबल हेलिकल आर गियर्सो कॉल्ड एज तो बचपन से उसे कहते हैं हेरिंग बोन गियर्स ठीक है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो इज इज कॉल्ड तो बच्चों स्पीड रेशियो का उल्टा क्या होता है ट्रेन वैल्यू स्पीड रेशियो का उल्टा क्या होता है ट्रेन वैल्यू समझ में आई बात स्पीड रेशियो को हमेशा उल्टा क्या होता है दैट कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है समझने में हमेशा the बताए ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, है? ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? है ना जब किसी एपी सेंटर के अबाउट कोई चीज घूमती है इसलिए उसे एपी बोला जाता है ठीक है ना दैट इज कॉल्ड एपीसाइकलिक मोशन ठीक है ना अगला क्वेश्चन क्या है स्ट्रेट लाइन के द्वारा ठीक है ना जब स्ट्रेट लाइन विच रोल्स ऑन स्लिपिंग ऑन अ सर्कल जब स्ट्रेट लाइन पे कोई सर्कल चलता है तो इसके द्वारा जो है वो पॉइंट बनाए जाते हैं उन पॉइंट से जो कर्व बनता है उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं इनवॉल्यूट

That is दैट इज टी वाई डी दॉल्ड वन अपन मॉड्यूल That is equals to reverse of module. That is equals to reverse of module. ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों लेकिन बहुत बार पेपर में आए तो मेरे को लगता है सभी आंसर कर देंगे इसका कोई ऐसी दिक्कत किसी को आएगी नहीं लेकिन करने जरूरी है क्योंकि सीरीज का नाम ही यही है कि ये करना जरूरी है

वैसे थोड़ा सा और लिखा जाता है ऑफ मेटिंग गियर करके मेटिंग गियर क्योंकि एक गियर में एडेंडम का डिफरेंस नहीं हो लेकिन एक के एडेंडम और दूसरे के एडेंडम का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है क्लियरेंस इज कॉल्ड क्लियरेंस उसको क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस तो एक का एक का एडेंडम और दूसरे का एडेंडम तभी बोला जाएगा तो याद रखिए इसको बोलना चाहिए ऑफ मेटिंग गियर ठीक है मतलब एक गियर का एक गियर का एडेंडम और दूसरे गियर के ये बीच का जो गैप होता है ठीक है ना बीच का जो गैप होता है that is called clearance. उसी को हम clearance बोलते हैं।, हैं। तो बताइए बात। rotating, तो उस शाफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों तो सब तो हम तो कर लिया हमने क्वेश्चन तो ये तो कर लिया हमने

एक्सिस जो होती है वो क्या होती है नॉन पैलर नॉन इंटरसेक्टिंग होती है नॉन नॉन एंड द टीथ आर बस इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टीथ को स्ट्रेट बोले की कव्ड बोले क्योंकि बहुत जगह आंसर टीथ स्ट्रेट दिया रहता है बहुत जगह आंसर कव्ड दिया रहता है ठीक है ना टीथ अब बताओ बचो अभी लेटेस्ट क्या आंसर रहा है थैंक यू मुनीष थैंक यू लेटेस्ट बताइए क्या आंसर रहा है आंसर की में अगर ये क्वेश्चन आया है स्ट्रेट आया है कि कर्व्ड आया है क्योंकि जो आंसर लेटेस्ट रहा है उसके हिसाब से ही चलिएगा क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि स्ट्रेज की कर्ड ठीक है ना क्योंकि बेवल गियर अगर आप उसमें भी देखोगे इन जनरल मतलब क्योंकि स्क्यू बेवल गियर अगर आप जनरल एनिमेशन या किसी ऐसे सिस्टम में भी देखोगे तो तब ध्यान रखिएगा ठीक है ना क्योंकि बहुत कॉमन गियर्स हैं तो दीज आर स्ट्रेट इसको स्ट्रेट ध्यान रखिएगा मैंने भी कई बार कर्व में फोकस किया है लेकिन वो सिर्फ स्क्यू गियर्स टाइप के होते हैं सिंपल स्क्यू बेवल गियर्स की अगर बात करेंगे तो टीथ आर ऑलवेज स्ट्रेट ये हाईपर्ड और स्पायरल जब आते हैं तब स्पायरल टीथ का शुरू होता है कर्व टीथ का नेचर शुरू होता है यहाँ पे आप स्ट्रेट टीथ के हिसाब से ही आंसर करिएगा ठीक है ना तो पहले किसी वीडियो में अगर मैंने टीथ लिया है बच्चों तो अब आने वाले दिनों में ध्यान रखिएगा पेपर में स्ट्रेट टीथ ही करेक्ट आंसर आ रहा है अगर लिखा है हमारे पास प्रॉपर स्क्यू गियर्स स्क्यू बेविल गियर्स तो स्क्यू बेविल गियर्स हैविंग स्ट्रेट टीथ ठीक है ठीक है बिल्कुल सत्य जी पार्टी शार्टी सब होगी बेटा क्योंकि कोई चिटिंग करके तो नहीं पहुंचे यहाँ तक सब मेहनत से पहुंचे है ना एक एक बच्चा जुड़ जुड़ के हमारे लिए ये एक लाख भी एक मिलियन के बराबर ही है ठीक है चाहे हमें कोई पूछे ना पूछे लेकिन हम और आप एक दूसरे को जरूर पूछेंगे ठीक है समझदारी बात थैंक यू मुनीष थैंक यू चलिए आगे चलते हैं बच्चों ठीक है तो याद रखिएगा टीथ स्टेट बेविल गेयर स्क्यू बेबिल गेयर के लिए याद रखिएगा टीथ स्टेट बाकी नेचर जो है अगर आप सिर्फ स्क्यू बेविल गर ऐसे वाले देखोगे तो यहां पे मैं आपको बता दूँ तो बच्चों हाइपर बॉल एट, जब ये ये वाले ये बेबल नहीं है ना ये जब बेवल की बात करेंगे तो स्ट्रेट टीथ यूज करेंगे जब इस तरह के होते हैं तो तब यहाँ पे कर्व आती है क्योंकि ये हाइबरबॉल हिसाब से बनते हैं क्लियर है तो ये चीज ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन मतलब अगर फोटो बनी हुई आ गई तो अलग ध्यान रखिएगा नहीं तो फिर बेवल लिखा है तो आप स्ट्रेट टीथ लेके चलिए ठीक है तो पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड द रिडेंडम सर्कल इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड द रिडेंडम सर्कल इज कॉल्ड हाफ टूथ फ्लैंक फेस अपर टूथ तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे आपको पूछ रहा है पार्ट ऑफ टूथ बिटवीन द पिस्ट सर्कल एंडम सर्कल अब पिस और सर्कल और के बीच में क्या होगा बच्चोंडम तो सर्कल है ये है तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ डिडेंडम ही तो हुआ सॉरी रहा मैं इन दोनों के बीच में क्या हुआ अडेंडम और डिडेंडम तो इधर से डिस्टेंस बोलेगा, बोलेगा तो डिडेंडम और सरफेस बोलेगा तो फ्लैंक है ना

अंडरकटिंग अंडरकटिंग क्या होती है जब एक का टूथ जो है टिप जो है वो दूसरे के रूट पे जाके जो है वो टक इंसर्ट करता है जिससे ये एरिया जो है वो इरोड होता है उसे अंडरकटिंग बोलते हैं

वो भी तो एक तरह का मॉडिफिकेशन ही है ना स्टब टूथ को यूज करना भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ही होगा क्यों क्योंकि तो बी भी जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन सही है ठीक है ना क्योंकि स्टब टूथ भी एक तरह से मॉडिफिकेशन में ही आएगा ठीक है ना और दूसरा है इंक्रीजिंग द एडेंडम ऑफ ए स्मॉल व्हील बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन है कि स्मॉल व्हील का अडेंडम को इनक्रीज करके और रिड्यूसिंग इट फॉर द लार्जर व्हील तो बिल्कुल सही है तो दैट इज सी बी आल्सो विल बी द करेक्ट आंसर तो डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर अगला है विस टाइप ऑफ गियर विल बी यूज्ड फॉर नॉन पैलो कितनी बार हो गया ये चीज गियर टीथ आर मेड हार्डर टू अवॉइड ग्रेटर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एब्रेशन ये अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर आर टीथ आर मेड हार्डर टू तो गियर टीथ को जो है वो हार्डर बनाया जाता है किस किसके लिए तो मैंने क्वेश्चन पहले भी कई बार लिया है ठीक है ना टू अवॉइड वियर गियर में जो पिटिंग एक्शन होता है उससे सिर्फ वियर का ही सबसे बड़ा चांस होता है तो उसी को अवॉइड करने के लिए गियर के सर्फेस को हार्डर बनाया जाता है तो डी विल बी करेक्ट आंसर इन गियर इंटरफेरेंस टेक प्लेस प्लेसमैन इंटरफेरेंस कब होगा बच्चों तो वही जैसे हमने कहा था गियर टीथ आर अंडरकट ऑफ द गियर इज नॉट सेम गियर टू नॉट मूव स्मूथली इन देंस लुब्रिकेशन टिप ऑफिंग टू दी पोर्स बिटवी बताया था टिप जो है तो, है? है तो वही वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सुटेबल टू कैलकुलेट दी वर्किंग डेप्थ ऑफ अ गर ठीक है ना किसी गियर की वर्किंग डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए सही मेथड कौन सा है कि सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एंगेजिंग गियर क्या सेंटर डिस्टेंस से मेजर करो नहीं सम ऑफ देयर समय सम ऑफ देयर अडेंडम सम ऑफ अडेंडम गियर अब देखो बच्चों यहां पे जो है पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्किंग डेप्थ अगर निकालनी है तो आपको क्या करना वर्किंग डेप्थ ये होती है बच्चों टोटल ये तो अगर हम यहां पे देखें तो कहीं ना कहीं जो दूसरा गियर होगा ठीक है वो इससे पीछे आएगा इस से इधर आएगा ऐसे आएगा ना बीच में तो क्लियरेंस छोड़ देगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो अगर हम बोलेंगे एक का अडेंडम और इधर से दूसरे का एडेंडम तो दोनों के अडेंडम को अगर हम ऐड कर दें सम ऑफ देयर एडेंडम तो हमें वर्किंग डेप्थ मिल जाती है डिडेंडम नहीं कर सकते क्योंकि तो क्लियरेंस के पीछे तक जा रहा है ऐसे इसका डिडेंडम नहीं कर सकते लेकिन दोनों के एडेंडम को तो, तो कर सकते हैं ना दोनों के एडेंडम को करें तो हमें वर्किंग डेप्थ मिल जाती है तो याद रखिए सम ऑफ देयर करेक्ट आंसर वेरी गुड और अच्छा क्योंकि इसी में भी करते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं वर्किंग डेप्थ दूसरा बच्चा टोटल डेप्थ नहीं दोनों में अंतर है याद रखिये अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल डेप्थ डेप्थ तो इसका मतलब होता है अडेंडम प्लस डिडेंडम प्लस क्लियरेंस या सॉरी बोल रहा हूं टोटल अडेंडम प्लस डिडेंडम ऑफ वन गियर ठीक है अगर मैं बोल रहा हूं वर्किंग yeah, डेप्थ तो अडेंडम प्लस अडेंडम एक गियर का और दूसरे गियर का ठीक है अगर मैं बोल रहा हूं वर्किंग डेप्थ एक के हिसाब से तो अडेंडम ऑफ वन गियर प्लस अडेंडम ऑफ वन गियर माइनस क्लियरेंस ऐसा ये एक गियर के लिए ठीक है ना ये सिर्फ दोनों एक गियर के लिए है तो अगर एक गियर में ही एडेंडम डिडेंडम प्लस करके क्लियरेंस माइनस करोगे तो भी वर्किंग डेप्थ आ जाएगी और दोनों गियर के एडेंडम प्लस करोगे तो भी आ जाएगी तो ये ऑप्शन जो है वो या तो ये दिया होगा आपको या ये दिया होगा अगर दोनों गियर के एडेंडम को ऐड करेगा तो भी वर्किंग डेप्थ आएगी और अगर एक ही गियर के एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस करेगा तो भी वर्किंग डेप्थ आएगी समझ में आ गया बात क्लियर है बताइए क्लियर हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल इज तो बच्चों सबको पता है रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल इज पाई ठीक है ना रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूल इज पाई जनरली सर्कुलर पिच और डायमिटर पिच का प्रोडक्ट पाई याद रहता है ना सबको तो ये भी ध्यान रखिएगा द मोशन ट्रांसमिटर बिटवीन द टीथ ऑफ अ टू स्परगियर इन मैश इज जनरली मोशन ट्रांसमिटर तो बच्चों सबको पता है पार्टली स्लाइडिंग पार्सली रोलिंग

बैकलैश क्या बोलेंगे उसे बैकलैश बिल्कुल यार रखिए जो क्यों दिया जाता है टू अवॉइड जैमिंग ऑफ गियर टू अवॉइड जैमिंग ऑफ गियर गियर की जैमिंग होने से बचने के लिए बैकलैश प्रोवाइड किया जाता है क्लियर है समझ में आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ देखते रहिए बच्चों ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है रेडियल डिस्टेंस ऑफ ऑफ अ पिच सर्कल टू बॉटम ऑफ द टूथ अब देखो रेडियल uh, क्या बोलेंगे तो बच्चों सिंपल ही है ओके धीरज कुमार जी आप मुझे मैसेज करिएगा मेरा पर्सनल नंबर लेके ठीक है

तो बच्चों अगेन आंसर वही रहेगा क्यों क्योंकि उसी में हम रिडक्शन कर रहे हैं फ्रिक्शन लॉसेज सबसे ज्यादा भी उसी में है ठीक है ना पर्सनल नंबर कैसे ले पर्सनल नंबर लें बच्चों आप हमें क्या टेलीग्राम करके टेलीग्राम करके नहीं मतलब उस नंबर पर कॉल करके जो टे, टेलीग्राम नंबर रहता है ठीक है चलिए पर्सनल मतलब मैं पर्सनल वैसे बोल रहा हूँ पर्सनल नंबर वो पर्सनल वाला नंबर नहीं वो भी ऑफिस ही नंबर है बट हाँ उस पर बात कर सकते हैं बहुत रेयर नहीं तो व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं कॉल तो मुश्किल है बट व्हाट्सएप कर सकते हैं फिर उसके हिसाब से बात होती है ठीक है अगला क्या है विच टाइप ऑफ गियर आर यूज्ड इन कनेक्टिंग टू को प्लेनर इंटरसेक्टिंग तो बच्चों सबको पता है लेकिन फिर भी को प्लेनर बोला उसने टू एक नया वर्ड लेके आया टू को प्लेनर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग को प्लेनर है तो अब याद रखिए बच्चों पर तो पैरेलल होती है हेलिकल पैरेलल होती है ये को प्लेनर नहीं होती है तो बचा क्या बेबल गियर बचा क्या बेबल गियर याद रखिए इंपॉर्टेंट है को प्लेनर इंटरसेक्टिंग द साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय

एक्सल थर्स इज मिनिमम इन केस ऑफ एक्सल थर्स मिनिमम किसकी किस मतलब किस मिनिमम बोल रहा है बच्चों खत्म नहीं बोल रहा है मिनिमम स्पर गियर में बेवल गियर में मीटर गियर में या डबल हेलिकल गियर में तो देखो स्पर गियर में तो होता ही नहीं है मिनिमम so तो मतलब एक्ल इज मिनिमम अच्छा एक्जल थर्स इज मिनिमम इन केस ऑफ तो स्पर गियर में तो होता नहीं है बेवल गियर की बात करें मीटर गियर या अब देखो आंसर तो वैसे हिसाब से यहाँ पर स्पर गियर ही बनेगा फिर बट फिर है नहीं सॉरी हाँ स्पर गियर में तो होता ही नहीं है अब वो पूछ रहा है यहाँ पे किस में मिनिमम होगा तो मिनिमम किस में करते मिनिमाइज तो दैट इज इन डबल हेलिकल गियर तो यही रखिएगा इसका आंसर ठीक है जीरो बोलेगा तो फिर स्पर गियर रखिएगा इसका आंसर ठीक है जीरो बोलेगा तो स्पर गियर रखिएगा इसका आंसर ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन द मोस्ट कॉमन जोमेट्रिक फॉर्म यूज इन गियर टू डे इज मोस्ट कॉमन तो बच्चों सबसे कॉमन कौन सा यूज करते हैं प्रोफाइल सबसे कॉमन हम यूज करते हैं इनवॉल्यूड प्रोफाइल इन गियर द टर्म प्रेशर एंगल रिफर्स टू दी एंगल प्रेशर एंगल किसका एंगलो द कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है बिटवी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दार्फ्ट एक्स बिटवीन द नॉर्मल ऑफ एक्शन कॉमन टेंजेंट यही ठीक है ना दट इज द

नेक्स्ट इन अ गियर ड्राइव द एडेंडम अडेंडम इक्वल डायमेट्रल पिच सर्कुलर पिच मॉड्यूल ऑफ द गियर बच्चोंडम जो है वो मॉड्यूल ऑफ द गियर के बराबर होता है कल भी देखा था हमने ये क्वेश्चन तो ठीक है द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इज असिस्टिंग चेंजिंग ये हमने कर लिया था असिस्टिंग चेंजिंग स्पीड एफिशिएंसी इन अर्मल स्पर गियर पेयर विल बी एफिशिएंसी जो है नॉर्मल पर गियर में स्पर गियर में कितनी होती है बच्चों दैट इज अबाउट कितनी होती है एफिशिएंसी नॉर्मल स्पर गियर पेयर की बात कर रहा है तो अबाउट नाइन्टी एट परसेंट टू एट्टी परसेंट लेस देन फिफ्टी परसेंट या लेस देन थर्टी परसेंट जल्दी बताएं ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है क्योंकि डेटा क्वेश्चन है याद है तो आंसर कर देंगे नहीं तो फिर कन्फ्यूज होकर गलती करेंगे जल्दी बताएं एफिशिएंसी इन नॉर्मल स्पर गियर किसी भी नॉर्मल स्पर गियर का कोई पेयर है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी लगभग होगी एफिशिएंसी बच्चों सिंपल आप आउटपुट अपॉन इनपुट का एडवांटेज इन सब से निकाल सकते हैं तो कितनी होगी लगभग बताएं ठीक है ना तो नॉर्मल स्परपेर गियर की बात कर रहा है तो यहाँ पे लगभग हम लोग नाइन्टी एट परसेंट के आसपास इसकी एफिशिएंसी ले सकते हैं तो बिल्कुल अब लगभग नाइन्टी एट परसेंट के आसपास जो है इसकी एफिशिएंसी होती है इन केस ऑफ गियर द पोर्शन ऑफ अ पार्थ ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ पेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड जो किसी भी गियर में the portion of path of contact, path of contact को वो द पिच पॉइंटमेंट ही बात है approach से लेके पिच पॉइंट तक आर्क ऑफ अप्रोच कहलाता है पिच पॉइंट से लेके एंड तक आपका आर्क ऑफ रेसेस कहलाता है नो हाँ, लॉस no के साथ आर्क ऑफ क्लियर क्लियर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस एंड द सर्कल रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि बेस सर्कल रेडियस और पिस्ट सर्कल रेडियस इन एन इनवॉल्यूड गियर इज इक्वल टू ठीक है ना रेशियो बेस सर्कल रेडियस और पिस्ट सर्कल रेडियस का रेशियो जो है वो किसके बराबर होता है बच्चों हमेशा ध्यान रखें दैट इज कॉल्ड कॉस फाइव

अलग से कोई वैसी बुक लेना चाह रहे हैं जिसको आपको करा है पहले तो वो अच्छी बात है लेकिन अगर आपने नहीं करी है हमारी बुक तो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं और फाइव थाउजेंड प्लस क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी क्लियर है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बुक को कॉमन करोगे उतना ही ज़्यादा उस बुक से आने वाले टाइम में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है ये याद रखिएगा क्लियर है कौन में आए बच्चे बात चलिए तो यहाँ तक के आज हमने क्वेश्चन लिए इसी का हाँ ये कंटिन्यू करेंगे आज थोड़ा सा फास्ट फास्ट क्वेश्चन लिए क्योंकि ईजी क्वेश्चन थे कल थोड़ा सा टिपिकल पार्ट में चलेंगे इसके ठीक है और फिर गवर्नर भी साथ साथ शुरू करेंगे थैंक यू वेरी मच